नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान फाउंडेशन में। तो फ्रेंड्स, आज हम पॉलिटी की जो सीरीज चल रही थी उसको आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे भारतीय संविधान के भाग यानी पार्ट्स के बारे में। और इसके पहले मैंने कई सारे वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं पॉलिटी से रिलेटेड, तो अगर आपने नहीं देखा है फ्रेंड्स तो उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप उनको ज़रूर देखें। और इस वीडियो में मैंने जितने भी संविधान के पार्ट्स होते हैं उनके लिए एक अच्छी अच्छी ट्रिक्स यूज की है, तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो मैं गारंटी लेता हूं कि आपको वीडियो देखने के एंड तक आपको सारे पार्ट्स मुझवानी याद हो जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बेसिक देख लेते हैं एक बार कि जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था तो उसमें टोटल 395 अनुच्छेद यानी आर्टिकल्स थे, ठीक है, और टोटल पार्ट्स कितने थे 22। तो आज भी 22 पार्ट्स हैं अगर नंबरिंग में देखा जाए, वैसे अगर गिनेंगे तो 25 हो गए हैं ए बी सी करके ऐड करके, अदरवाइज टोटल अगर नंबरिंग देखेंगे तो 22 है। अब देखिए इन पार्ट्स में होता क्या है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ यहाँ पे, बाकी आगे डिटेल में बताऊँगा। तो देखिए जो हमारे आर्टिकल्स हैं 395 टोटल, तो उन आर्टिकल्स में जो एक सिमिलर टाइप का जो कार्य रहता था, जैसे मान लो कोई काम है केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट के रिगार्डिंग, तो उनको हमने किसी एक पर्टिकुलर आर्टिकल से स्टार्ट करके और पर्टिकुलर आर्टिकल तक एंड करके उनको एक पार्ट में रख दिया। जैसे मान लो, जैसे एग्जांपल लेते हैं कि भाग वन जो हमारे संविधान का भाग वन है उसमें हमने दिया हुए केंद्र और राज्य के बारे में, तो जो भी उन जो वो बेसिक डिटेल्स हैं उसको हमने उसी भाग में रख दिया है। दूसरे में जैसे नागरिकता है तो उसमें मैंने नागरिकता के सारे प्रावधान किस में कर दिए, भाग दो में। ऐसे सब में कुछ ना कुछ रखा गया है, ठीक है, आगे देखेंगे अभी डिटेल में। और जब हमारा संविधान बना था तो उस समय अनुसूचियाँ कितनी थी, टोटल थी 8। बाद में कुछ अमेंडमेंट करके यानी संविधान में संशोधन करके उसमें 4 और जोड़ी गई, तो टोटल आज की डेट में अनुसूची कितनी है 12। तो मैंने अनुसूची के लिए ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर दिया, आपने अगर उसको भी नहीं देखा तो उसको भी देख सकते हैं। तो चलिए अब फ्रेंड स्टार्ट करते हैं अपने भाग के बारे में। तो देखिए हमारे पास टोटल कितने भाग हैं, 22 अभी मैंने बताया, तो उनको हम ब्रेक कर करके पढ़ेंगे। तो इस वाले पार्ट में हम पढ़ते कितने, 1 2 3 4 और 4 का। तो देखिए मैंने बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक बनाई है तो आपको वो भी बताऊंगा और देखते देखते आपको सारा याद हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए पहले पार्ट में क्या दिया गया, तो अब एक चीज़ आपको ध्यान रखनी कि पहला पार्ट हो चाहे पहला आर्टिकल्स हो चाहे पहली अनुसूची हो, सब में संघ और उसके क्षेत्र के बारे में बताया गया, तो ये तो बहुत सिंपल है। और इसका आर्टिकल क्या है, 1 2 4, तो ये आपको आर्टिकल भी ध्यान रखना है क्योंकि कभी कभी ये पूछ देगा कि पार्ट वन यानी भाग वन में कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल दिया गया, तो आपको याद होना चाहिए। देखिए 50 तक तो बिल्कुल याद होना चाहिए यानी 51 तक पूरे आपको अच्छे से याद होना चाहिए, इसके बाद वाले भी अगर याद हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज कोई इतना नहीं मैटर करता, बट 50 तक तो आपको रटे होने चाहिए। तो भाग वन में क्या है, आर्टिकल 1 2 4, और इसमें क्या है, संघ और उसके क्षेत्रों के बारे में बताया गया। भाग टू में क्या है, नागरिकता। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन अभी यूपीपीसीएस 2020 का प्री एग्जाम हुआ था अक्टूबर में, उसमें पूछा गया था कि नागरिकता का आर्टिकल्स कहाँ से कहाँ तक दिया है, तो ये 5 से 11 तक दिया गया। तो इसमें सिटीजनशिप के बारे में दिया गया कि कैसे नागरिकता लेना है, क्या करना है, बाहर से कोई आएगा उसके लिए क्या प्रावधान है। तो देखिए जब ये चैप्टर हम पढ़ाएंगे तो उनको हम डिटेल में बताएंगे कि इसमें क्या प्रावधान दिए गए, बट यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं अभी पार्ट्स के बारे में, तो हमें बस ये पता होना चाहिए कि किस पार्ट में क्या रखा हुआ है। तो देखिए पहले में क्या, संघ और केंद्र उसके क्षेत्र के बारे में दिया हुआ है, केंद्र यानी जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, और जो यूटी वगैरह है उनके क्षेत्र के बारे में दिया गया। दूसरी में नागरिकता हो गया, इसको भी देखिए कहानी के थ्रू भी याद करेंगे, लेकिन पहले आप एक बार इसको ऐसे देख लीजिए। और तीसरे में क्या है, मौलिक अधिकार, तो फंडामेंटल राइट्स। देखिए दोस्तों इसका भी मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया, एक नहीं बल्कि इसके 2 वीडियो अपलोड हैं, तो उनको भी आप देख सकते हैं, उसमें 12 से 35 आर्टिकल इसका दिया गया, तो आपको ये भी याद होना चाहिए कि तीसरे में दिया है मौलिक अधिकार, उसका आर्टिकल क्या है, 12 से 35। बात करते हैं चौथे में, चौथे में क्या है कि देखिए डीपीएसपी इसको बोलते हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ये क्या होते हैं अभी मैं बताता हूँ। तो इसका आर्टिकल दिया है 36 से 51, ठीक है। और 4 का में क्या दिया है, यानी 4A में क्या दिया है, मौलिक कर्तव्य। तो ये देखिए ये अभी मैंने पिछले वीडियो में भी इसका मेंशन किया है कि जहाँ पे का खा इस तरह का कुछ आ जाएगा तो आप उसको देख के समझ जाइए कि वो हमारे मूल संविधान में नहीं रहा होगा, उसको बाद में किसी अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया होगा। तो देखिए मौलिक कर्तव्य हमारे मूल संविधान में नहीं थे, उनको कब ऐड किया गया था, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में। ये मैंने पहले भी के वीडियो में भी इसकी चर्चा कर चुके हैं, तो इंदिरा गांधी की सरकार थी इमरजेंसी के टाइम पर, उस टाइम पर इसको ऐड किया गया था। और मैंने जो संविधान के स्रोत वाला एक वीडियो बनाया था उसमें आपको ये अच्छे से बताया भी था कि इसको कहाँ से लिया गया था, तो इसको लिया गया था रूस से, रशिया से इसको लिया गया है, ठीक है, जिसका पहले नाम था यूएसएसआर।
और इसमें जो आर्टिकल इसका है वो क्या है, 51 का ए, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, और इसके साथ में एक चीज़ और ध्यान रख सकते हैं कि मौलिक कर्तव्य में टोटल कितनी चीज़ों के बारे में बात की गई, तो हमारे कितने मतलब मौलिक कर्तव्य हैं, तो टोटल हैं 11। जब ऐड किया गया था तो 10 थे उसमें, और एक अभी बाद में ऐड किया गया 2002 में, कि एजुकेशन से रिलेटेड है, ठीक है। तो जब मौलिक कर्तव्य का अलग से चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें डिटेल से बताएंगे। अब देखिए, अभी तो आपने एक बार देख लिया इसको, अब देखते हैं कि कैसे इसको याद करना। तो देखिए, ये हम देख लेते हैं कि जैसे हमारा कोई हमारा मतलब कंट्री है, या आप किसी और कंट्री की बात कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले कंट्री हो गया यहाँ पे, संघ और उसके क्षेत्र हो गए। तो मान लीजिए कि कोई बाहर से आया, उसको यहाँ पे सिटीजनशिप यानी नागरिकता मिल गई कंट्री में, तो उसने क्या सोचा कि अच्छा ठीक है, नागरिकता में आसानी से मिल गई। उसने कहा कि ठीक है यार, तो अगर नागरिकता मिली तो हमें कुछ अधिकार भी मिलने चाहिए। तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है भाई, अधिकार भी दे देते हैं। तो उन्होंने उसको मौलिक अधिकार दे दिए, यानी पहले एक देश था, देश में कोई बंदा आया, उसने वहाँ की नागरिकता ले ली। नागरिकता के बाद उसने बोला कि नहीं, मेरे को तो मौलिक अधिकार भी चाहिए। तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है भाई, मौलिक अधिकार भी ले लो। तो उसको दे दिए मौलिक अधिकार। तो थर्ड में हो गया मौलिक अधिकार। अब फोर्थ में क्या लिखा है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो ये वो होते हैं जो गवर्नमेंट गवर्नमेंट को बताते हैं कि अगर आप कोई रूल बना रहे हैं, कोई विधि बना रहे हैं, तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ना, वो सारी चीज़ें इसमें मेंशन है। तो जब मौलिक अधिकार मिल गया उस बंदे को, तो उसने कहा कि नहीं, हम तो ये भी आपको बताएंगे कि आपको किस तरह से विधि वगैरह यानी कानून वगैरह किस तरह से बनाना है। तो उसके बारे में भी इसने बोला कि हम बताएंगे आपको। तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है भाई, बता दो। लेकिन गवर्नमेंट ने बोला कि अगर आप मेरे को बता रहे हो कि कैसे कानून बनाना चाहिए, तो आपको भी तो कुछ मतलब आपके भी तो कुछ कर्तव्य बनते हैं ना, या हम ही सारा करते रहेंगे। तो गवर्नमेंट ने बोला कि ठीक है, अगर मैं ये सब फॉलो करके रूल बना रहा हूँ, तो मैं आपको भी देता हूँ आर्टिकल 4A में जो लिखा हुआ है कि मौलिक कर्तव्य, ये आपके कर्तव्य हैं 11, इनको आप फॉलो करिए, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये आपको सिंपली याद हो गया होगा। जैसे पहले में दिया है क्या, संघ और उसके क्षेत्र, यानी एक कंट्री है, उसमें कोई किसी को नागरिकता मिल गई, उसने फिर फंडामेंटल राइट्स भी ले लिए, राइट ले लिए। तो उसने बोला कि हम नीति निर्देशक सिद्धांत भी बताएंगे कि कैसे रूल बनाना है आपको। जब ये सब किया तो गवर्नमेंट नाराज़ हो गई, तो उसने बोला कि ठीक है, अगर हम मेरे को बताओगे तो मैं आपको भी। तो उन्होंने क्या किया, एक अपॉइंटमेंट करके मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया कि ठीक है, अपनी ड्यूटी आप भी निभाइए। तो 4 तक मेरे ख्याल से आपको आराम से याद हो गए होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अब 5वें से स्टार्ट करते हैं। तो वो 4 तक तो हो गया, अब क्या है, 5वें दिया हुआ है सेंट्रल यानी संघ के बारे में, संघ का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में। और 6ठे में दिया है राज। तो देखिए, सबसे ऊपर कौन आता है कंट्री में, एक तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट आती है। तो यहाँ से आपको इस तरह से ध्यान करना, वो 4 का कहाँ तक आपने अच्छे से देख लिया, आपके दिमाग में बैठ गया होगा। 5वें से कैसे याद करना है वो मैं बताता हूँ। 5वें में देखिए संघ, 6ठे में क्या है राज, तो संघ के बाद क्या आता है, राज्य आता है, जाहिर सी बात है। और 7वें में क्या है, कुछ भी नहीं, पहले था इसमें समाप्त कर दिया गया, तो 7 से 7, 7 से समाप्त कर दिया गया, ठीक है। तो इसको नहीं याद रखना है। तो देखिए, संघ पढ़ लिया, राज पढ़ लिया, 6वें 7वां समाप्त हो गया, तो 8वें में कौन आएगा, यूटी आएगा, जाहिर सी बात है। संघ राज क्षेत्र जैसे दिल्ली पुदुचेरी ये सब आएंगे ना, उसके बाद छोटी का यही हुई ना, पहले केंद्र हो गया फिर राज हो गया, तो यूटी हो गया। फिर अगर यूटी हो गया तो उससे छोटा कौन बचा, फिर पंचायत। तो 9 में दिया है पंचायत, 9 खा में दिया है नगर पालिका, है ना, जो एक टाइप का होता है पंचायत नगर पालिका। 9 खा में दिया है सहकारी समितियाँ। तो 9 में क्या है पंचायत, 9 के काम है नगर पालिका, 9 के काम में सहकारी समितियाँ। और 10 में क्या दिया है, तो देखिए यहाँ तक जब सारा हो गया, मतलब केंद्र भी हो गया, 5 में, 6 में हमारा राज्य भी हो गया, 7 में कुछ है नहीं, 8 में यूटी भी हो गया, अब यहाँ तक पंचायत भी हो गया, 9 में, 9 के काम में नगर पालिका भी हो गई, और 9 के काम में सहकारी समितियाँ, यानी सबको हमने कंसीडर कर लिया 9 तक। 10 में आके कौन बचा, तो SC ST जनजाति जो क्षेत्र रहते हैं ना, अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र रहते हैं, तो उनको भी इंक्लूड कर लिया यहाँ तक, यानी 10 तक सारा शासन देख लिया, केंद्र से लेकर लोअर लेवल तक सब जगह तक हमने देख लिया। आपको ये आर्टिकल भी देखिए याद रखने हैं, ये मैंने नहीं बताया बट आपको ये भी याद रखने हैं, संघ का है 52 से 151, ये याद करने हैं, ठीक है, क्योंकि ये कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए, 10 तक मेरे ख्याल से बिल्कुल याद हो गए होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सिंपल है। संघ हो गया, राज हो गया, करके आप याद कर लीजिए, एक बार दोबारा से देख लीजिए अगर नहीं आया, रिपीट करके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे, वो जो मैंने पहले बताया था 1 से 4 का तक, उसका अलग तरीका था याद करने का, 5 से 10 तक बताया उसका अलग है। अब देखिए यहाँ 11 से लेके आगे जो है उसका बिल्कुल अलग है। तो अब देखिए यहाँ मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, तो पहले एक बार देख लेते हैं इसको, ऐसे पढ़ लेते हैं, इसके बाद फिर ट्रिक बताते हैं अच्छे से। तो देखिए 11 में क्या दिया हुआ है, संघ और राज्यों के बीच में संबंध दिया हुआ है, रिलेशन दिया हुआ है, ठीक
ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट का हमने देख लिया था कैसे चलना था सब कुछ पीछे वाले इसके जो पहले 10 तक। अभी क्या है, दोनों के संबंध के बारे में बात करते हैं। संबंध हो गया, संबंध कैसा दिया है 11 में, विधायी संबंध दिया है और प्रशासनिक संबंध दिया है ना, दो टाइप के संबंध, ये भी याद रखते हैं। और इसका आर्टिकल भी एक बार देखते चले आप साथ साथ में। 12 में क्या दिया है, वित्त संपत्ति और संविधाएं वाद वगैरह दिए हुए, ये दिए हैं 12 में। अभी टेंशन मत लो, मैं पूरा जैसी ट्रिक बताऊंगा आपको सब याद आ जाएगा। 13 में क्या दिया हुआ, 13 में दिया है कि भारत के राज क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य ये सब कर सकते हैं, तो ये दिया 13 में। 14 में क्या दिया, संघ और राज्यों के अधीन लोक सेवाएं ना, जैसे यूपीएससी हो गया और जो एक सेंट्रल का और पीएससी एग्जाम हो गए राज्य सरकार के, तो वो सारे इसमें दिए हैं 14 में। 14 के काम क्या दिए, ट्रिब्यूनल्स के बारे में दिए, जो अधिकरण होते हैं उनके बारे में दिया। देखिए अब एक स्टोरी देख लेते हैं। तो अभी 10 तक तो हमने देख लिया था, 11 में कैसा है, तो 11 में देखिए 1-1 है। 1-1 मतलब देखिए 1-1 बॉन्डिंग हो गई, किसके साथ हो गई बॉन्डिंग, तो एक मान लीजिए लड़का था, कोई तो एक लड़की थी, ठीक है, उनके बीच में 1-1 बॉन्डिंग हो गई, ऐसे मान के चल रहे हैं। उनके बीच में संबंध, जैसा संबंध विधायी और प्रशासनिक, इस तरह का मान लेते कि उनका ठीक है दोस्ती वगैरह हो गई, उनकी दोनों काफ़ी खुश हैं। फिर क्या हुआ, दोनों में झगड़ा होना स्टार्ट हो गया। क्यों झगड़ा स्टार्ट हो गया, क्योंकि उनके पास वित्त नहीं था, यानी फाइनेंस नहीं था, यानी पैसे नहीं थे। तो पैसे प्रॉपर्टी इन सब चीज़ों को लेके दोनों के बीच क्या हो गया, झगड़ा हो गया, मारपीट होने लगे। दोनों ने सोचा ठीक है ऐसे झगड़ा करने से कोई फ़ायदा नहीं है, एक काम करते हैं कि हम लोग ट्रेड वगैरह करते हैं, मतलब व्यापार वगैरह करते हैं, तो फ़ायदा होगा, तो फिर ये झगड़े वगैरह ऑटोमेटिक बंद हो जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, व्यापार करना स्टार्ट कर दिया। तो 13 में क्या व्यापार, देखिए यहाँ याद करते हुए चलेगा, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। 11 में क्या था, बॉन्डिंग थी दोनों के बीच 1-1। 1-2 में क्या हुआ, झगड़ा हो गया उनको संपत्ति वगैरह और फाइनेंस की वजह से, क्योंकि पैसे नहीं थे। 13 में क्या हुआ, उन्होंने सोचा कि ठीक है झगड़ने से कोई फ़ायदा नहीं, ये काम करते ट्रेड करते हैं, दोनों को फ़ायदा मिलेगा व्यापार वगैरह में, तो उन्होंने व्यापार करना स्टार्ट कर दिया 13 में। अब बात करते हैं 14 में। तो 14 में जब उन्होंने 13 में व्यापार किया तो उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हो गया, तो उनकी प्रॉब्लम्स काफ़ी हद तक सॉल्व हो गए। तो उन्होंने कहा ठीक है यार ऐसा करते हैं कि अब यूपीएससी की तैयारी करते हैं, यूपीएससी और पीसीएस वगैरह की तैयारी करते हैं। तो वो सब किस में दिया है, संघ और राज्यों के अधीन लोक सेवाएं, तो वो दिया है 14 में, इसको आप ऐसे याद रखते हैं। तो उन्होंने क्या ठीक है तैयारी करते हैं, तो तैयारी उन्होंने करी हिंदी मीडियम से, और आपका हिंदी मीडियम का हाल पता ही है। तो अभी दो 2020 में जो प्री में एग्जाम हुआ था आईएएस का, उसमें एक क्वेश्चन हो गया था मिसप्रिंट, इंग्लिश में कुछ और लिखा था और हिंदी में और, तो वो मामला चला गया फिर किस में, कोर्ट में चला गया अभी। तो आर्टिकल 14A में क्या दिया है, ट्रिब्यूनल्स में चला गया, मतलब जो एग्जाम हुआ था क्योंकि वो गलत पेपर छप गया। मैं याद करने के लिए बता रहा हूँ, वैसे नहीं गया था, मतलब क्वेश्चन तो आया था गलत, बट मैं याद करने के लिए आपको समझा रहा हूँ। तो ये हो गया, केस चला गया कोर्ट में ये, ठीक है। अब इनका तो फंस गया, इन्होंने एग्जाम दिया हिंदी मीडियम में और पेपर की वजह से ये गड़बड़ हो गया इनका। तो 14A में क्या है, ट्रिब्यूनल्स के बारे में बताया गया, ठीक है। इसको आप ध्यान से समझ लेंगे तो मेरे ख्याल से बिल्कुल याद रहेगा, भूलेंगे नहीं। अब आगे देखते हैं क्या हुआ। तो देखिए अब उन्होंने गुहार भी लगाई गवर्नमेंट से कि ने कैसे ये सब कर दिया, अच्छे रूल क्यों नहीं बनाते हैं वगैरह वगैरह। तो गवर्नमेंट नहीं सुन रही थी, तो उन्होंने कहा ठीक है कोई नहीं मत सुनो, अभी चुनाव तो आने वाले हैं ना, तब देख लेंगे। तो 15 में दिया है चुनाव का, निर्वाचन का दिया है, तो इसका आर्टिकल भी याद कर लेना, 324 to 329 का ए तक दिया गया। तो चुनाव आने वाले थे तो गवर्नमेंट सोचा कि ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगी, धमकी मिल रही है। तो उन्होंने 16 में क्या कर दिया, कुछ उपबंध कर दिया गवर्नमेंट ने, कुछ चेंजेस वगैरह कर दिए, बट वो हिंदी वाला नहीं उन्होंने देखा फिर भी, कि हिंदी मीडियम की जो समस्याएं हैं वो फिर भी नहीं सॉल्व करी गवर्नमेंट ने। कुछ चेंजेस तो किए 16 में, बट वो हिंदी मीडियम की समस्याएं अभी भी नहीं सॉल्व हुई। फिर तो उन्होंने कहा कि जो बच्चे थे उन्होंने कहा कि ये आपने चेंज तो कर दिया, बट राजभाषा यानी हिंदी का क्या, राजभाषा मतलब हमारी राजभाषा क्या है, हिंदी है। तो 17 में दिया है राजभाषा, तो नहीं मानी गवर्नमेंट, बोली नहीं करेंगे अब तो बहुत हो गया, तुम लोग बार बार अपनी रिक्वेस्ट लेके आ जाते हो। तो लोगों ने कर दिया झगड़ा, है ना, बच्चे अपने ऊपर उतारू हो गए तो झगड़ा हो गया। तो गवर्नमेंट ने लगा दिया आपात, यानी इमरजेंसी लगा दी 18 नंबर पे। तो 17 में राजभाषा यानी हिंदी के बारे में बात हो रही थी, तो उपद्रव हो गया, मतलब झगड़े वगैरह हो गए, दंगे फसाद हो गए, तो उसके चक्कर में गवर्नमेंट ने लगा दी इमरजेंसी 18 में। अब तो इसका वो भी देख लेना, आर्टिकल 352 से 360 तक दिया, ठीक है। तो 18 में लग गया, तो ऐसे भी थोड़ा ध्यान करते चलिए कि आ से 18, आ से आपात, है ना, ये भी ध्यान रखते हैं। तो आपात लग गया 18 में। इसके बाद क्या हुआ है कि अब बच्चों के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था, क्योंकि पूरी कंट्री में लग गया, क्या लग गया, इमरजेंसी लग गया। तो
तो घर पे बैठे बैठे उन्होंने कुछ अपना अलग अलग काम करना स्टार्ट कर दिया, मिसलेनियस टाइप का, कभी कुछ कर रहे हैं कभी कुछ, क्योंकि अभी रिजल्ट भी नहीं आया हुआ था, सारी चीज़ें पेंडिंग पड़ी थी। तो 19 में वो मिसलेनियस टाइप का अपना काम कर रहे थे। देखिए ये अगर एक बार स्टोरी आप सुन लोगे ना तो कभी भी क्वेश्चन आएगा एटलीस्ट आप आंसर तक पहुँच जाओगे, है ना। फिर क्या हुआ कि फिर गवर्नमेंट को लगा नहीं यार ज़्यादा हो गया, मतलब ऐसे तो नहीं काम चलेगा, दोबारा चुनाव वगैरह भी जीतना है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है ऐसा करते हैं, हम संविधान में संशोधन ही कर देते हैं, दोबारा ये सब छुटकारा ही ले लो इन सब चीज़ों से, बार बार प्रॉब्लम होती रहती। तो 20 में उन्होंने क्या किया, संविधान में संशोधन कर दिया। अब देखिए ये इसका जो आर्टिकल है वो 368 दिया हुआ है, ठीक है। इसको भी मैंने लास्ट वीडियो में पढ़ाया हुआ था, खैर उसके बारे में बात नहीं करते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि संविधान में संशोधन कर दिया। क्या संविधान में संशोधन कर दिया, तो जो प्रॉब्लम थी उसको उन्होंने सॉल्व किया। तो 21 में क्या दिया उन्होंने कि स्पेशल प्रोविजन बना दिया, है ना, जो उनको प्रॉब्लम थी उसके लिए उन्होंने स्पेशल प्रोविजन बना दिया गवर्नमेंट ने 21 में। और 22 में क्या किया उन्होंने, रिपील्स कर दिया उसको, हिंदी में प्राधिकृत पार्ट था उसको रिपील्स और निरसन यानी रिपील्स कर दिया, यानी उनकी प्रॉब्लम को कुल मिला के सॉल्व कर दिया जो भी बच्चों की प्रॉब्लम थी। तो मेरे ख्याल से आपको इस तरह से बिल्कुल याद हो जाएगा। अगर एक बार में नहीं समझ आया तो आप दोबारा से इस वीडियो को देख लीजिए, बट याद जरूर कर लीजिए। अगर देखो आपको डायरेक्ट याद होता है बहुत अच्छी बात है, आप वैसे भी याद कर सकते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल होता है पूरे 22 के 22 को याद रखना। तो अगर आपको कहीं थोड़ी हिंट भी मिल जाएगी ना तो एग्जाम में आप क्वेश्चन पकड़ लेंगे तुरंत, थोड़ा बहुत अगर याद आ जाएगा तो। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अगर कोई आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।